साहू, अगर एक लाइन में इस मूवी का रिव्यू करूं तो मूवी बहुत अच्छी है। अगर अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो मूवी के अंदर एक्शन बहुत अच्छे हैं, VFX अच्छा यूज़ किया है और प्रोडक्शन वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है। 350 करोड़ इस मूवी में लगाए गए हैं, बहुत सारे एक्टर इस मूवी में लिए गए हैं। अब ये मूवी का रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक रिव्यू देखा, एक यूट्यूबर, अच्छे खासे फॉलोवर हैं, 2,40,000 के नज़दीक फॉलोवर हैं, और इस मूवी का रिव्यू करते वक्त वहाँ क्या बोला जा रहा है कि इस मूवी को देखने के लिए आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर, मतलब कि इतना आप अगर दिमाग पढ़ाई में लगाते तो पता नहीं क्या कर लेते, इतना दिमाग यहाँ लगाना पड़ जाएगा मूवी में। तो भाई मैं एक जेन्युइन सलाह देता हूँ, अगर आप ये मूवी देखने जा रहे हो ना तो आपको अपना दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा, वरना ये मूवी समझ नहीं आएगी। ऐसे ही उस यूट्यूबर के साथ हुआ। उस यूट्यूबर ने क्या किया होगा, शायद अपना दिमाग ना अपने घर पे छोड़ के गए होंगे वो, और फिर क्या है, ये मूवी देखने चले गए, कुछ समझ आया नहीं होगा, बाहर आके कैमरा ऑन किया होगा और बकवास बोलनी स्टार्ट कर दी होगी कि भाई ये मूवी है ऐसा ऐसा है, इस मूवी में ये दिखाया गया है कि ऐसे प्यार तोड़ना होता है। अरे यार तुमको क्या लेना देना बे, हैं? तुम एक बार अपनी स्क्रिप्ट जो तुम मूवी रिव्यू करते हो ना, एक बार अपने मूवी रिव्यू बिना स्क्रिप्ट लिख के करके देखो, बिना एडिटिंग करके देखो, तब पता चलेगा ना कि कैसे होती है चीजें। अब ऐसा एक्शन ऐसे डाल दिया गया, बहुत सारी कहानियों को मिला दिया गया, अरे भाई उन्होंने उसका दिमाग यूज किया है। अब मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने ये मूवी देखने गए और आप लोगों ने बिना दिमाग यूज किए इस मूवी को देखा ना, तो कुछ समझ नहीं आने वाला भाई। अब कुछ मूवी होती हैं जिसमें ट्विस्ट डाला जाता है, ये वैसी मूवी है भाई, इसमें ट्विस्ट डाला गया है। एंड लास्ट में मतलब मैं जब ये मूवी मैं देख रहा था, बहुत सारी चीज़ों को मुझे कैलकुलेट कंक्लूड करना पड़ा कि भाई हाँ अच्छा ये इसके साथ है, वो उसके साथ है, उसने इसको धोखा दे दिया, तो हाँ ठीक है भाई समझ आ रही है ना मूवी। मैं एक्टिव होके बैठा हूँ, एक्टिव होके वो मूवी देख रहा हूँ, ऐसे थोड़ा ना बोरियत की तरह देख रहा हूँ यार। हाँ ऐसे, अरे दिमाग में थोड़ा बहुत तो अपना प्रेशर करो, मतलब जो डालो ना स्ट्रेस डालो उसके ऊपर थोड़ा दिमाग के ऊपर, या फिर ऐसे ही हो तुम यार, बेजान से मुर्दे से पहुंच जाते हो मूवी, ऐसे मूवी देख रहा हूं मैं यार, ऐसे थोड़ा ना मूवी होती है यार कोई। अब मुझे मूवी का ये कॉन्सेप्ट सबसे पसंद आया है कि हाँ इसमें इतने सारे ट्विस्ट हैं, इसमें दिमाग मुझे भी, सामने व्यूअर बैठा है उसको भी यूज करना पड़ रहा है। हाँ भाई ये इसके साथ है, इसको अब इसके इसने चीट कर दिया, अब इसके साथ चले गए, ठीक है हाँ अब चल रही है चीजें, समझ आ रही है। अब वहां जो है मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा मेरे लिए मेरे अंदर उसके लिए है कि यार तुम जैसे रिव्यू करते हो, सामने जो स्क्रिप्ट तुम्हारी लिखी गई है, सामने चल रही है, कैमरे के ऊपर लिखी गई है, ऊपर रखे हैं और वो पढ़ रहे हैं बस, लगातार ऐसे रट्टू तोते की तरह वो स्क्रिप्ट पढ़ दी, कोई एक्सप्रेशन उनके मुंह पे वैसे भी नहीं है रिव्यू करते वक्त। तो यार तुम क्या कर रहे हो, हैं? क्यों लोगों को मिसगाइड कर रहे हो? और ना ये जो लोग, अगर ये वीडियो लोगों तक पहुंच रही है तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई, और यही मेरा मेरी सलाह है उन लोगों को कि कोई मूवी का रिव्यू देखे बिना मूवी देखने जाया करो यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा माइंडसेट तुम लोगों पे इफेक्ट करे कि भी हाँ मैंने जो कहा तुम वो व्यू पॉइंट लेके मूवी थिएटर में गए हो मूवी देखने, या किसी और का व्यू पॉइंट लेके तुम थिएटर में गए हो मूवी देखने, यार उससे तुम्हारा ही तो नुकसान है, तुम्हारे व्यू पॉइंट तुम्हारी सलाह कहाँ गई, तुम्हारा भी तो कोई दिमाग होगा ना, तुम भी कैसे सोचते होगे, हाँ यार तुम्हारा भी तो कोई इच्छा होगी, तुम्हारे कुछ के ओपिनियन होंगे, हाँ मुझे ये मूवी पसंद आई, ये मूवी पसंद नहीं आई। अगर तुम आज मेरा रिव्यू लेके, मेरा मूवी रिव्यू देख के अगर तुम जा रहे हो किसी मूवी को देखने, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैंने अच्छी मूवी कही है तो तुम ये देख के, ये मूवी देख रहे होगे कि हाँ ये मूवी अच्छी है, अच्छी अच्छी है, तुम्हारे दिमाग से, दिमाग जो हमारा माइंड सेट है वो वैसा ही हो जाएगा। अगर मैंने ये बोल दिया भाई ये मूवी खराब है खराब है खराब है, तो तुम भी ऐसे ही देखने जाओगे, हाँ यार ये मूवी खराब है। तो भाई कोई मूवी रिव्यू देखे बिना ना कोई मतलब कि मूवी रिव्यू देखना ही नहीं है, अगर तुम कोई मूवी देखने जा रहे हो, ठीक है? थोड़ा बहुत उसके बारे में, इसका IM जो इसकी स्टार दिए जाते हैं वो थोड़ा बहुत उनके बारे में देख लो, मैं चाहता हूँ वो भी ना देखो यार, क्योंकि उससे इफेक्ट पड़ता है, साइकोलॉजिकल एक चीज होती है कि हाँ अगर हमने किसी मूवी को देखा, इसको 10 में से 8 स्टार मिले, हाँ यार मूवी अच्छी है तो चलते हैं यहाँ पे, अगर उसको 6.2 स्टार मिले, भले यार तुम्हें, जाहिर हर एक के अपने अपने व्यू पॉइंट होते हैं यार, तुम्हें शायद वो मूवी अच्छी लगे किसी और को ना लगे, ये होता है यार, ऐसे तो पॉलिटिक्स में चलता है, किसी को ये पार्टी पसंद है किसी को पार्टी पसंद नहीं है, सही सी बात है ना, अपना दिमाग यूज करके जाओ यार, किसी के कहने पे मत जाओ कि उसने कह दिया कि ये मूवी ऐसा है, इसमें ऐसे डाल दिए गए हैं, इसमें दिमाग बड़ा खर्च हो रहा है। भाई तुम्हारे पास दिमाग है तो खर्च होगा, दिमाग है नहीं तो क्या खर्च होगा, घर पे छोड़ के गए होगे शायद दिमाग का। तो एक लाइन में फिर से बता रहा हूं ये मूवी अच्छी है, मेरे व्यू पॉइंट में मत जाना यार।
अपना व्यू पॉइंट लेके जाओ थिएटर में जा रहे हो तो तुम अपना खुद डिसाइड करना कि मूवी अच्छी है या बुरी है। मुझे तो इसमें कुछ इतना बुरा लगा नहीं कि जो लोग कह रहे हैं कि मूवी बहुत खराब है, मूवी इतना इतना पैसा लगा दिया है सर। बस एक नेगेटिव पॉइंट मुझे इसके अंदर लगा कि मूवी लेंथी है बस, और मुझे इसके अंदर तो कुछ ऐसा लगा नहीं। हाँ ट्विस्ट है, अच्छे लगे कि हाँ ट्विस्ट आ रहा है, एक कहानी भी देखने को मिली इसके अंदर, VFX अच्छे हैं, एक्शन बहुत ज़बरदस्त है, और प्रभास जी ने खुद इसके अंदर हिंदी में डब किया है। तो बस आज के लिए बस इतना ही था भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।